नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में, जहां से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों का दिल भी पसीज जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक बेटे की आंखों के सामने उसके पिता की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज के मोतिया खान क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहां पर बीती शाम को एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसको सुनकर इलाके में भी काफी दहशत का माहौल है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिम में गाना बजाने को लेकर दो युवकों में हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके परिवार वालों को भी इसके बीच में कूदना पड़ा। हालांकि परिवार वाले उन्हें समझा सकते थे, अलग कर सकते थे, परंतु परिवार ने दूसरा रास्ता अपनाया, एक दूसरे से दुश्मनी पाल बैठे और वो दुश्मनी इतनी ज्यादा देखते ही देखते बढ़ गई कि पूरा का पूरा परिवार दोनों पक्षों की ओर से सामने आकर खड़ा हो गया। और उसके बाद लड़ाई हाथापाई इतनी ज्यादा गई कि चाकूबाजी की नौबत तक आ गई। जी हाँ, यह बात कल सुबह की बताई जा रही है, जब यहाँ पर एक पास में ही नज़दीक में जिम है जिसमें हिमांशु जाया करता था, और वहाँ पर बता दें कि गाना बजाने को लेकर उसकी एक दूसरे युवक से लड़ाई हो गई थी, और जिसके बाद हिमांशु ने दूसरे युवक को चाटा मार दिया था और उनके बीच हाथापाई होने लग गई। जब इस चीज़ की सूचना जिम ट्रेनर को मिली तो उन्होंने जो दूसरा युवक था उसको जिम से बाहर कर दिया। फिलहाल के लिए अभी इतना पता चला है कि दूसरे युवक को बाहर किया गया था, जिसके बाद हिमांशु जिम में ही मौजूद था। और अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जब हिमांशु घर की ओर जाने लगा तो उसने जिम से बाहर जाने से पहले ही देख लिया कि दूसरा युवक अपने चाचा और पिता के साथ और कुछ और अन्य लोगों के साथ बाहर खड़ा हुआ है। वो लोग उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही वो बाहर निकले उसके ऊपर एक के बाद एक सभी लोग चढ़कर हमला कर सके, परंतु क्योंकि उसने ये चीज़ पहले ही देख ली थी तो उसने भी अपने बाप को, अपने चाचा को बुलाया वहाँ पर, और उसके अलावा कुछ अन्य लोग भी उसके पक्ष से आए। जब दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, और ये बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। जब हाथापाई से भी लोगों का दिल नहीं भरा तो बात चाकूबाजी तक आ गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर खूब ताबड़तोड़ हमले किए। बताया ये भी जा रहा है कि लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया था, और इसी बीच किसी ने हिमांशु के पिता मनोज पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, पुलिस मौके पर मौजूद हुई। आप हमको बताया जा रहा है कि उससे पहले ही मनोज को नज़दीक के ही एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि चाकू मारा गया था उनको, इतनी बुरी तरीके से कई बार चाकुओं से उनके शरीर पर हमला किया था। हालांकि उस जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी जान बची हुई थी, परंतु अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। तो बहुत ही हृदय विदारक एक घटना इस वक्त सामने आ रही है कि कैसे दो बच्चों की लड़ाई या दो युवकों की लड़ाई इस कदर बन गई, इस कदर दोनों परिवार एक दूसरे के सामने ठन गए कि ये जो मामूली विवाद था केवल जो गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों परिवार एक दूसरे के सामने आ गए। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के ही लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, और इसमें मनोज नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सिर्फ गाना बजाने को लेकर विवाद, शायद इसकी कल्पना भी ना की होगी, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको अपने पिता को ही खोना पड़ जाए। आपको बता दें कि पहले जो दूसरा युवक था वो अपने परिजनों को साथ में लेकर आया था हिमांशु की पिटाई करने के लिए, परंतु हिमांशु ने पहले ही और लोगों को, अपने परिवार वालों को बुला लिया था, जिसके बाद दोनों परिवार आमने सामने आ गए। और अगर हमने यहाँ के लोकल लोगों से जब बात करी ऑफ द कैमरा तो उन्होंने ये भी बताया कि दोनों में पहले भी किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था, काफ़ी समय से दोनों परिवारों के बीच में विवाद था। तो ये भी कह सकते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने केवल एक बहाने की तरह देखा हो कि एक दूसरे से लड़ने का बहाना मिल गया, जिसमें दोनों परिवारों ने अपनी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करी। दोनों ही परिवार इस कदर अमादा थे एक दूसरे को मारने के लिए कि लड़ाई देखते हुए लोगों ने यह भी बताया कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक दूसरे की जान ले ही ले, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मनोज को चाकू मारा गया था तो मनोज की भी वहीं पर घायल होकर वो ज़मीन पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख में है, परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है, तो हम भी इस चीज़ का आदर करते हैं, समझते हैं कि परिवार ने हमें ऑफ द कैमरा कई चीज़ें बताई है, और कई चीज़ें उन्होंने, जैसे हम कहें कि कैमरा पर बोलने की परिवार की स्थिति नहीं थी तो परिवार नहीं बोल पा रहा था, वरना हम आप लोगों को परिवार के भी बयान सुनाते हैं क्या कुछ उन लोगों के ऊपर बीती, वो चीज़ भी आप लोगों तक पहुँचाते, परंतु उन्होंने कैमरा पर कुछ भी बोलना इस वक्त उचित नहीं समझा। हालांकि पुलिस की तरफ से जो बात सामने आई है वो यही है कि दो लोगों को अभी
हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और मुख्य कारण अभी यही बताया जा रहा है कि गाना बजाने को लेकर लड़ाई हुई थी जिसके चलते विवाद बढ़ गया, परंतु पूरा मामला क्या है इसकी तहकीकात तो फिलहाल पुलिस कर रही है। जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे उनकी फुटेज खंगाली गई है, उनको भी देखा जा रहा है और दो तीन अलग अलग एंगल्स को आधार बनाकर पुलिस फिलहाल यहाँ पर जाँच कर रही है। इसके अलावा जो पुरानी दुश्मनी थी इसको लेकर भी पुलिस ने एक एंगल बनाया है कि कहीं उस चीज़ के चलते ही तो ये विवाद इस प्रकार से शुरू नहीं किया गया था जिसमें चाकू मारकर ऐसे निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि क्या कुछ कारण थे ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा और हमें पूरी उम्मीद भी है कि पुलिस जांच करके जो भी दोषी है उनको उचित से उचित कार्रवाई करेगी और कठोर से कठोर दंड उन लोगों को भी दिया जाएगा जिन्होंने एक व्यक्ति की इस प्रकार से चाकू से मारकर उसके बेटे के ही सामने निर्मम हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ही क्षेत्र की ऐसी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को।